चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 10 के जो पांचवा चैप्टर है एपी, जिसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से जानते हैं, इस चैप्टर्स को एक ही वीडियो में पूरा शुरू से अंत तक हम लोग समझेंगे। और देखो, जिस टाइप से मैं आपको समझा दूंगा ना, आप सारे चैप्टर्स के प्रश्नों को बना लीजिएगा, एग्जाम में एको क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। देखिएगा 100% बस इस वीडियो को आप देखिए। देखो, समानांतर श्रेणी चैप्टर्स का नाम है और इसको इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं और इसको शॉर्ट में एपी, ए डॉट पी, ए से अरिथमेटिक, पी से प्रोग्रेशन, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी। देखो, इसमें चार चैप्टर्स पढ़ने, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 एनसीईआरटी के अनुसार। देखो, पहले चैप्टर्स में आपको पढ़ना है 5.1 में एपी की पहचान करना है कि एपी है कि नहीं है, उसमें प्रथम पद क्या होगा, क्या दिए गए श्रेणी एपी के रूप में है, ये सब पहचान करने हैं, सर्वांतर निकालने हैं। और दूसरा में एनवा पद, यानी एन का या टीएन का सूत्र अप्लाई करके वहां पर मान निकालना होता है। यहां पर 5.3 और 5.4 में एन पदों का योग का प्रयोग करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो एक एक चीज को समझेगा, इस टाइप से मैं आपको समझाऊंगा कि चारों चैप्टर्स, चारों एक्सरसाइज आपका क्लियर हो जाएंगे। समझिए, सबसे पहली बात है 5.1 की चर्चा करेंगे एपी की पहचान। उससे पहले आप समझिए कि एपी क्या होता है, समानांतर श्रेणी क्या होता है। देखो, एक ऐसी संख्या, यानी एक ऐसी संख्या जिसमें समान सार्वंतर समान हो। सार्वंतर क्या होता है समझिए, मान लीजिए मेरे पास कोई श्रेणी है 2 का 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे डॉट डॉट, मैं पूछूं क्या ये एपी है, तो यहां पर क्या करना है, सार्वंतर का सूत्र होता है दूसरा पद घटाओ पहला पद, तीसरा पद घटाओ दूसरा पद, ठीक है ना। तो सार्वंतर निकालना था, दूसरा का में से पहले का घटाएंगे, सार्वंतर को डी से सूचित करते हैं, ठीक है ना। सार्वंतर पदांतर नाम होता है, तो दूसरा पद में से पहले का पद घटाएंगे तो चार में से दो घटेगा, दो ऐसे तीसरा पद में से दूसरा पद घटाएंगे तो देखिए आप, तीसरा में से दूसरा घटाएंगे तो छह में से चार घटेगा, फिर भी दो, आठ में से छह घटेगा दो, ऐसे दस में से आठ घटेगा दो। तो सार्वंतर का मतलब कहीं से भी आप दो पदों का अंतर निकालिए सेम आएगा, कहीं से भी जो श्रृंखलाएं दी है वहां पर कहीं से भी दो संख्याओं का अंतर निकाल के देखिए एकदम सेम आएगा, तो सेम आएगा। अगर सेम नहीं आ रहा है तो इसका मतलब सार्वंतर उसका समान नहीं है, और जिसका सार्वंतर समान नहीं वो समानांतर श्रेणी हो ही नहीं सकता है। समानांतर श्रेणी होने का सबसे बड़ा शर्त यह होता है कि उसका सार्वंतर या उसका पदांतर सेम होनी चाहिए, यानी सार्वंतर का मतलब है दूसरा पद घटाओ पहला पद, तीसरा पद घटाओ दूसरा पद, चौथा पद घटाओ तीसरा पद, यानी ऐसे सार्वंतर निकाली जाती है। तो लिख बोल सकते हैं संख्याओं का ऐसा श्रृंखला, संख्याओं की ऐसी श्रेणी जिसमें सार्वंतर समान हो, तो उससे हम लोग बोलते हैं समानांतर श्रेणी कहते हैं। सार्वंतर निकालने का सूत्र होता है दूसरा पद घटाओ पहला पद, तीसरा पद घटाओ दूसरा पद, चौथा पद घटाओ पांचवा, चौथा पद घटाओ तीसरा पद, ऐसे आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो एपी की पहचान करनी होती है, मान लीजिए आपको ये एपी दे दिया, ठीक है ना, ये एपी का श्रृंखला, यहां पर देखिए एपी का एक श्रृंखला आपको दे दिया, बोला है कि 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट, एक और आपको एपी दे दिया 1, 1, 3, 9, 4, 8, 5 और बोला है कि बताइए ये क्या श्रेणी है। देखो यहाँ पर ये बोला है क्या है, समानांतर श्रेणी है, तो भैया हम क्या करेंगे, सार्वंतर निकालेंगे, दूसरा पद घटाओ पहला पद, तो तीन में से एक घटेगा दो, पांच में से तीन घटेगा दो, सात में से पांच घटेगा दो, कहीं से भी आप दो संख्याओं का अंतर निकाल कर देखिए हमेशा सेम आएगा, दो दो आएगा, यानी संख्याओं यहाँ पर सार्वंतर सेम आ रही है, इसका मतलब दिया गया जो एपी है वो समानांतर श्रेणी, यानी जो दिया गया श्रेणी है ये समानांतर। देखो, आपको एपी चेक करने के लिए देगा तो आप एपी नहीं देगा, खाली श्रेणी देगा, आप बोलेगा कि ये सार्वंतर है समानांतर श्रेणी है, तो चेक कर लेंगे सार्वंतर जिसका सेम हो जाएगा समझिए कि वो समानांतर श्रेणी है। लेकिन यहां पर देखिए 3 में से 1 घटेगा 2 और 9 में से 3 घटेगा 6, यहां पर दो संख्याओं का अंतर 2, यहां पर दो संख्याओं का अंतर 6 आ रहा है, इसका मतलब ये समानांतर श्रेणी नहीं है। तो समानांतर श्रेणी पहचानने का सबसे सिंपल तरीका, सार्वंतर निकालिए, कहीं से भी दो संख्याओं का सार्वंतर निकालेंगे वो सेम आएगी, अगर सेम आ रही है तो समानांतर श्रेणी होगा, अगर सार्वंतर सेम नहीं आएगा तो इसका मतलब है कि वो समानांतर श्रेणी नहीं है। तो सार्वंतर यानी 5.1 में हमें एपी की पहचान करने पड़ना है। जैसे मान लीजिए यहां पर देखो, यहां समझिएगा ध्यान से, मान लो कि आपके पास कोई एपी दिया, यही एपी दिया है, ठीक है ना, इस एपी में दिया है, तो पूछेगा इस एपी में दिया गया प्रथम पद क्या है, तो पहला पद जो होता है ना वो प्रथम पद होता है, उसको ए से बोलते हैं, तो ए का मान इसमें डी हो जाएगा, ए हो जाएगा, टू हो जाएगा। आप पूछेगा सार्वंतर क्या है, तो सार्वंतर निकालने के लिए दूसरा पद घटाओ पहला पद, तो चार में से दो घट जाएगा, कितना बचेगा दो। अगर मान लीजिए कभी कल क्या करता है कि आपको एपी दे देगा, आप पूछेगा इसमें प्रथम पद लिखिए, तो पहला पद प्रथम पद, आप पूछेगा सार्वंतर लिखिए, तो दूसरा का में सब पहला घटा दीजिए, कहीं से भी दो संख्याओं घटा दीजिए, आपका सार्वंतर निकल जाएगा। तो बस देखो 5.1 में यही पूछेगा आपका कि क्या ये दिया गया एपी है, तो एपी पहचानने के लिए आपको पहला काम वहां पर सार्वंतर समान निकालना होगा, और सार्वंतर समान है तो एपी में होगा, नहीं है तो एपी नहीं होगा। उसके बाद पूछेगा प्रथम पद क्या, तो पहला पद प्रथम पद सार्वंतर निकालने के लिए पूछेगा, तो वहां पर दूसरा पद घटाओ पहला पद, दो कोई भी दो संख्या उठाकर उसको घटा लेना, तो सार्वंतर आपकी निकल जाएगी। तो इस तरह से सार्वंतर निकल जाएगी। और 5.1 का सिलेबस खोल कर देखिए, आपका यही प्रश्न दिया, इसके अलावा कोई प्रश्न नहीं दिया रहेगा। एक बात यह देखिएगा, देखो यहां पर देखो पहला पद ए है, तो इसमें सार्वंतर जोड़ देंगे तो दूसरा का पद आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर
अगर ए प्लस डी है तो इसमें ए प्लस डी में एक फिर सामांतर जोड़ देंगे तो इसका अगला पद प्राप्त हो जाएगा। यानी अगर देखी जाए तो पहला पद को ए बोलते हैं लेकिन दूसरा पद को ए प्लस डी बोलते हैं, तीसरा पद को ए प्लस टू डी बोलते हैं, एक एक डी की मात्रा बढ़ती चल जाएगी, चौथा पद को ए प्लस थ्री डी बोलते हैं, पांचवा पद को ए प्लस फोर डी बोलते हैं, छठा पद को ए प्लस फाइव डी बोलते हैं, ऐसे डॉट डॉट आप बोल सकते हैं। समझिए इस चीज को ध्यान से, प्रथम पद को ए और दूसरा पद को ए प्लस डी, तीसरा पद तीसरा आ रही है तो मतलब ए प्लस टू डी, और चौथा पद ए प्लस थ्री डी। तो ऐसे कई बार बोलता है कि तीसरा पद चौथा पद निकालिए, तो वो तो भैया हमें 5.2 में पढ़ना है, ठीक है ना। तो 5.1 में एपी की पहचान करना था, मैंने आपको समझा दिया जिसका सामांतर समान, इसका मतलब वो एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अब हम लोग एक्सरसाइज 5.2 की चर्चा करते हैं, इसमें एनोवा पद पढ़ना है। एनोवा पद का दूसरा नाम व्यापक पद भी होता है जिसको जनरल टर्म्स हम लोग कहते हैं। देखो एनोवा पद कैसे निकालना होता है, मान लीजिए बोल रहा है कि यहाँ पर आपको एपी दे दिया 2, 4, 8, 10, 12 डॉट डॉट, अब बोला है कि दसवां पद ज्ञात करें, तो दसवां पद बोला तो इसका मतलब एपी ज्ञात करना है। देखो एनवा पद को हम लोग या तो एन कह सकते हैं और नहीं तो इसको टीएन भी कह सकते हैं। एन का सूत्र ए प्लस एन माइनस वन इंटू टू, देखो ये इस एन को हम लोग टीएन भी कहते हैं, एन को क्या बोल सकते हैं टीएन भी बोल सकते हैं, एन का दूसरा नाम टीएन भी होता है और सूत्र वही होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये सूत्र भी आपको याद रखना है, यानी एन का नहीं तो टीएन का, ये हमें सूत्र याद करके चलना है एन या टीएन का एपी में, ठीक है ना। एन या टीएन को एनोवा पद कहते हैं, एनोवा मतलब व्यापक पद कहते हैं, ठीक है ना। अब एक चीज समझो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया 2, 4, 6, 8 ये आपको एपी दिया, बोला इसका दसवां पद ज्ञात करिए, तो सिंपली आप यहाँ प्रथम पद ए और सामांतर निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ, समझिएगा इस चीज को ध्यान से, एक एक बातें वो समझाऊंगा। देखो यहाँ पर प्रथम पद ए का मान 2, सामांतर कैसे निकालेंगे, दूसरा पद घटा पहला पद, 6 में से 2 घटेगा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले यहाँ पर घटा कर देख लीजिएगा कि सामांतर समानांतर श्रेणी है कि नहीं है, ठीक है ना, ये देख लेना है। तो 2 के बाद 4 को बढ़ गया, 4 के बाद देखो 2 को बढ़ा, यानी यहाँ पर देखिए यहाँ घटाएंगे तो 4 आ रहा है और कहीं और से घटाएंगे तो इसका मतलब 2 आ रहा है, तो ये समानांतर श्रेणी नहीं है। इसको समानांतर श्रेणी बनाने के लिए और थोड़ा सजाना पड़ेगा, 2, 4 ऐसे लगा ऐसा देखा ना कि वो समानांतर श्रेणी होगा, ठीक है ना। तो ये समानांतर श्रेणी में इस प्रकार हो गया, तो हम इसका सामांतर निकालेंगे, प्रथम पद 2 हो गया और सामांतर निकालेंगे, दूसरा में से पहला घट जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है ना। अब इसका दसवां पद निकालना है तो आप लिख दीजिएगा पर t10, यानी n का मान कितना चलेगा 10 चलेगा, या आप सोच खाली tn भी लिख दीजिए। आ सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस n माइनस 1 * d, यही ना सूत्र होता है बाबू। अब देखो a का मान निकाल लिया 2 और प्लस n का मान, n का मतलब कौन सा मान आपको निकालना, दसवां निकालना, तो एन के जगह पर 10 घटाओ 1 इंटू डी कर देंगे, ठीक है ना। अब देखो 2 प्लस 10 में से 1 घटेगा 9, तो 9 गुना डी का मान कितना है 2, तो यहाँ पर 2 प्लस 9 दूना हो गया 18, यानी इसका कितना आ जाएगा 10, यानी इसका दसवां पद निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, दसवां पद निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 20, यानी 2 18 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, यानी दसवां पद निकालेंगे 20। हाँ तो इसका सिंपल सा तरीका क्या होता है समझिए, एनो पद निकालना, बोला दसवां पद ज्ञात करिए, दसवां पद ज्ञात करिए, तो दसवां पद मतलब ए प्लस 9d, जो पद पूछता है ना डी का मान एक घट जाता है। मान लीजिए अगर पूछा कि 15वां पद निकालिए, तो ए ज्यों का त्यों रहेगा, 15वां बोल रहा है तो डी वाला एगो घटेगा 15 से, ए प्लस 14d, तो इस प्रकार से भी आपका निकलता है पद। तो यहाँ पूछा डायरेक्ट हम निकाल लेते, ए का मान निकल गया, डी का मान निकल गया, तो टीएन का अगर सूत्र हमें चाहे एन का सूत्र नहीं याद है, तो डायरेक्ट अगर दसवां मान पूछा तो दसवां सूत्र जाएगा दसवां पद का ए प्लस 9d, तो ए का मान 2 प्लस 9 गुना डी का मान 2 है, यहाँ भी गुना करके देखिए आपका आंसर कितना निकल जाएगा 20। तो ये भी चीज आपको याद रखना है। देखो तो एक्सरसाइज 5.2 में हमें एनवा पद निकालना सीखना है, यानी व्यापक पद निकालना सीखना है। तो व्यापक पद का सूत्र होता है, यानी टीएन चाहे एन इसको बोलिए, इसका सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 * डी, चाहे इसको टीएन भी आप कह सकते हैं, या इसका एक और नाम होता है, देखो इसको एल भी कही जाती है, एल का मतलब अंतिम पद, अंतिम पद निकालने का तरीका। तो एल का भी सूत्र यही होता है ए प्लस एन माइनस 1 * डी, यही सूत्र होता है, यानी टीएन का पूछे चाहे एल का पूछे चाहे एन का पूछे चाहे आपको एल का पूछे, तो तीनों का सूत्र यही होता है, ठीक है ना। व्यापक पद या इसको बोले जनरल टर्म्स बोलिए, या एनवा पद बोलिए, या अंतिम पद बोलिए, बात एक ही पड़ता है। तो समझ में आ रहा है, इसी टाइप से आपको एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन दिया होगा, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन आपको नहीं दिया होगा मेरे अनुमान से। चलिए मैं क्वेश्चन देख लेता हूं 5.2 में किस टाइप से प्रश्न दिया। तो 5.2 में बाबू इसी टाइप से प्रश्न दिया है कि इसका एनवा पद ज्ञात कीजिए, इसका ये ज्ञात करिए, बस इस सूत्र का आपको प्रयोग करके हल करना है, इसके अलावा और कोई चीज आपको नहीं दी है। क्या क्या क्वेश्चन दिया है कि मान लीजिए ए का मान 2 है, डी का मान 10 है, एन का मान मान लीजिए आपका 8 है, तो बोल रहा है कि टीएन ज्ञात करिए। बाबू टीएन ज्ञात करना है तो टीएन का सूत्र लगा दीजिए, सूत्र ए प्लस एन माइनस 1 * डी, ए का मान पुट कर दीजिए, डी का मान पुट कर दीजिए, एन का मान पुट करिए, हल करिए, आपका निकल जाएगा। तो दिमाग आप लगाना शुरू करिए। तो एक्सरसाइज 5.2 में हमें यही पढ़ना है,
एनो पद निकालने का था, एनो पद निकालने का सूत्र अप्लाई करिए। पहले का जो आपको श्रेणी में अंक होगा वो प्रथम पद है, वहां पर दो संख्याओं घटाएंगे तो आपका सर्वांतर निकल जाएगी। मेरे अनुमान से आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी, ठीक है ना बाबू। देखो यहाँ पर सिर्फ मैं आपको मार्ग दिखा रहा हूँ, मेहनत आपको अपने आप से करना होगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा तो कमेंट करके बताइएगा, मेरे व्हाट्सअप नंबर लीजिएगा, ठीक है ना, वहां पर मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। अब अगले एक्सरसाइज की बात करते हैं 5.3 में। 3 में 5.3 में एन पदों का योग पढ़ना। और देखो जिस प्रकार से एनवा पद को एन या टी एन चाहे एल बोलते हैं, उसी प्रकार से एन पदों का योग को हम लोग बोलते हैं एसएन। क्या बोलते हैं? एसएन। तो एसएन का सूत्र होता है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यह सूत्र होता है। या एसएन का एक और सूत्र होता है एन बाई टू आई इंटू ए प्लस एल, चाहे एन बोलिए एल बोलिए चाहे एन बोलिए चाहे टी एन बोलिए। मैंने पहले ही चर्चा कर दिया है कि एल टी एन और एन ये सब सेम होता है। तो एस एन का जो दो सूत्र होता है, एक एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या एस एन का सूत्र एन बाई टू इंटू ए प्लस एल होगा, ठीक है ना। एल एल का मतलब अंतिम पद, जब टी एन का मान चाहे जब एल का एन का मान या जब एल का मान दिया जाएगा तब इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो इसके द्वारा एन पदों का योग निकालते हैं। जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन दिया 8, 16, 24, 32 ... आप बोले कि 8 पदों का योग निकालिए, 8 पदों का योग निकालिए। तो यहाँ प्रथम पद ए 8 हो जाएगा, सार्वंतर डी दूसरा पद में से पहले का घटा लीजिए तो 8 ही आएगा। और उसके बाद 8 पदों का योग बोल रहा है, यानी एन का मान कितना हो गया? 8 हो गया। तो योग निकालना है, तो योग निकालने का सूत्र ऐसे लगाइए, सूत्र होता है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है ना। यही सूत्र है। एन का मान कितना दिया? 8 बटा 2 इंटू 2 गुना ए, ए का मान 8 है प्लस एन, एन का मान कितना दिया? 8 घटावे 1 इंटू हो जाएगा डी, डी का मान कितना है? 8 है। अब इसका सॉल्विंग कर लीजिए, क्रिया कर लीजिए, जो आंसर आएगा वही उसका योग आएगा। तो ये सूत्र आपका होता है एन पदों का योग निकालने का, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। नहीं तो देखो यहाँ पे एक और टाइप से आपको क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा कि 8, 16, 24 ... आपको दे दिया यहाँ पर 40, ठीक है ना। ये 40 दिया तो अंतिम पद हो गया। यहाँ तो नहीं बोला कि 40वां पद निकाले, यहाँ पर सिर्फ 40 दिया, इसका मतलब अंतिम पद हो गया। तो यहाँ पर पहले का पद जो एक का मान हो जाएगा 8 हो जाएगा, और सार्वांतर निकालेंगे तो 8 हो जाएगा। अंतिम पद मतलब एन चाहे आपको एल दे दिया वो कितना दे दिया आपको? 40 दे दिया 40। तो यह वाला सूत्र अप्लाई कर देंगे, एन का मान आपको यहाँ पर एन का मान यहाँ से पहले आपको एन से आपको चल के एन का मान निकालना पड़ेगा। एन का सूत्र अप्लाई करेंगे, एन का मान 40 दिया तो इसका सूत्र अप्लाई करेंगे, एन का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 40। तो यहाँ पर ए का मान और डी का मान तो एन का मान हमारा निकल जाएगा। जैसे ही एन का मान निकलेगा तो यहाँ एन का मान ए का मान एल का मान रख के हम आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये समझने वाली चीज है कि एन बाई टू यानी एस एन में यानी एन पदों का योग यानी 5.3 और 5.4 में हमें एन पदों का प्रयोग करके ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो पहले एक्सरसाइज में हमें पढ़ना था कैसे पहचान करनी, मैंने चर्चाएं करी। दूसरे एक्सरसाइज में हमें पढ़ना था एन पदों का योग का कैसे प्रयोग करना, उसकी भी चर्चाएं करी। और तीसरे और चौथे में एन पदों के योग का हमें प्रयोग करना है। तो ये एन पदों का योग का एक और फॉर्मूला चलता है, एन का सूत्र होता है एस एन घटाओ एस एन माइनस वन। यानी कभी कल बोलता है कि एनवा पद निकाले, आपको क्या करेगा? एन पदों का योग दे दिया रहेगा, आप बोलेगा कि एनवा पद निकाले भैया, एन का मतलब एनवा पद, तो एन का सूत्र होता है एस एन माइनस एस एन माइनस वन। तो इस पर आपको खास कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं वाला है, ये सब लॉन्ग क्वेश्चन है, कभी एग्जाम में करता नहीं, तो इसकी मैं चर्चाएं नहीं करूंगा। तो इस तरह से आपका समानांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सारा पॉइंट जो था मैंने आपको समझाई है, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा। अगर आपको इस सिलेबस को खत्म करवाने हैं, जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आती है, कमेंट करिए, चाहे स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, वहां से आकर संपर्क करिए। आप प्रयोग करना शुरू करिए, एपी की कैसे पहचान करना है, एनवा पद कैसे निकालना, मैंने आपको तरीका बताया, एन पदों का योग का सूत्र समझ लिए, उसके आधार पर क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। मुझे विश्वास है कि एपी का जो चैप्टर आपको विस्तार से समझ में आ गई होगी, तो ध्यान से आप लोग पढ़िए। और यदि आप मुझसे कोई चैप्टर्स का क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, कोई चैप्टर खत्म करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सअप नंबर होगा, यहां से आकर आप संपर्क कर लीजिए। जय हिंद।